Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कमाल की ट्रिप्स। बट उससे पहले आप देख लो ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, ये है विकर्णी मैप के बारे में। मैं आपको इसके बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, पर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसके बारे में ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ पबजी से रिलेटेड। तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो कि ग्लिच है, ये तो मतलब ये अपस्टेयर वाला जो कि बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में है। आप यहाँ पे जैसे अंदर आओगे तो आपको ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट सीढ़ी मिलेगा सामने वाले गेट से। आपको इस पेंडिंग के पास आना है और वही लो टॉस में एक ग्रेनेड करके आपको 3-4 ट्राई मारना होगा और फिर आप अंदर चले जाओगे। मेरे पास अभी सिर्फ स्मोक और स्टन ग्रेनेड था, तो मुझे 3-4 ट्राई लग गया और पूरे मतलब रॉजॉक में मुझे भाई वो ग्रेनेड नहीं मिला, फ्रैग ग्रेनेड नहीं मिला। हमेशा हर जगह भाई स्मोक ग्रेनेड ही था, तो मुझे इतना ट्राई लग गया। तो आप यहाँ जब आते हो तो देखो, अब आप सामने की तरफ तो गोली नहीं चला सकते, पर ऊपर और पीछे की तरफ गोली चला सकते हो। जहाँ तक कि सीढ़ी है वहाँ पे आपको ये ब्लॉक कर देता है, पता नहीं क्यों। और आप इधर गोली मार सकते हो। आप इसका तभी यूज़ करना जब आप लास्ट सर्कल इस घर में आपका बनेगा, तभी यूज़ करना, वरना आप यहाँ पे फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ अंदर आना थोड़ा मुश्किल है। हमारा अगला जो कि ट्रिक है वो है मिलिट्री एरिया में, जो कि सी बिल्डिंग के पीछे ये वाला बिल्डिंग है ना, आपको यहाँ पे एक गाड़ी या फिर कोई कार या फिर जो भी है जीप आप यहाँ लेके आओ और इसके ऊपर चढ़ो और यहाँ से अपने कार के पे या फिर जो भी आपका व्हीकल है उसके ऊपर जंप करो और फिर आप यहाँ चढ़ जाओ। आप इससे भी ऊपर जा सकते हो और आप यहाँ से अगर आपके पास अच्छा कोई स्नाइपर है तो सी बिल्डिंग को अच्छे से तरह से कवर कर सकते हो पूरी तरह से। आपको और ऊपर जाना है तो आप इस चीज़ का सहारा लो, आप इसके ऊपर कूदो और यहाँ से एक बार ऊपर कूदो, आप आ जाओगे यहाँ पे भी, आप इसके भी ऊपर जा सकते हो। हो सकता है आपको ये ट्रिक पहले से ही पता हो, बट ये ट्रिक मैंने सोचा ऐड कर दूं, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये एक अच्छा लोकेशन है स्नैपिंग करने के लिए। बस एक बात का ध्यान रखना कि बगल वाले टावर पे कोई ना हो, वरना वो आपको कुचड़ के रख देगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको कहीं कवर नहीं मिलेगा। अगला जो कि हमारा है वो रोजहॉक के पास ही है। वो यहाँ पे बहुत बार आपको लगता होगा कि मतलब लास्ट का सर्कल बनता है, तो आपको रोजहॉक के पास एक ब्रिज मिलेगा। सारा ग्लिच यहाँ पे यूज़ मतलब वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे देखो एक स्पेस सा बना हुआ है, आप यहाँ पे अंदर जाके पूरी तरह से सकते हो। और आप जब अंदर जाते हो तो खड़े होके जाना, क्योंकि यहाँ पे एक और ग्लिच है जैसे कि आप रोड के ऊपर देख सकते हो। लेकिन अगर आप 10 बार यहाँ आओगे तो ये इतना ज़्यादा रेयर ग्लिच है, बस एक 10 में ऐसे एक ही बार आपका ये काम करेगा। आपको बस सिंपल खड़े होके स्कोप ऊपर करके स्कोप इन करना है, तो कभी कभी वो ग्लिच काम करता है, बट आप यहाँ पे हमेशा के छिप सकते हो, आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। और यहाँ पे बस आप लेट के उल्टे हो जाओ तो मतलब यहाँ पे कोई नहीं, कोई ग्रेनेड ना ही ग्रेनेड फेंक पाएगा और ना ही कुछ, और मतलब आप यहाँ पे चारों तरफ से सेफ हो जाते हो। ये बस आपके लास्ट सर्कल के लिए है। और अगर आसपास में थोड़ा सा इससे हटके सर्कल बन रहा है तो आप यहाँ पे रह के अच्छे से स्नैपिंग भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा। आप और अच्छे से यहाँ पे पिक करके भी देख सकते हो। यहाँ नीचे वाटर में देखो एक बंदा है, मैंने इसे अभी एक गोली मारा और फिर ये मुझे कहीं नहीं दिखा, पता नहीं ये कहाँ गया। और देखो एक वहाँ पे नदी के ऊपर भाग रहा है। तो ये अच्छा लोकेशन है स्नैपिंग करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी विकेंडी मैप पे एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ, वहाँ के सारे ग्लिच सब के बारे में और कहाँ से आपको अच्छा लूट लोकेशन मिलेगा।